हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइन एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज, नेचर एंड टाइप्स, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सर्विसेज जो है वो इनटैंजिबल है, जिसको हम सीन नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, और जिसका फिजिकल कंस्ट्रक्शन नहीं है और हम उसको फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं कर सकते। एंड नेचर में हम लोगों ने 5 I को डिस्कस किया था, इंटेंजिबल, इनकंसिस्टेंसी, इन्वॉल्वमेंट, इनसेपरेबिलिटी एंड इन्वेंटरी। एंड टाइप्स में हम लोगों ने 3 types डिस्कस किए थे सर्विसेज के, बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज एंड पर्सनल सर्विसेज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंकिंग के बारे में, बैंक क्या रोल प्ले करता है, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। ओके, बैंकिंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। ओके, बैंक जो है वो देश के इकोनॉमी डेवलपमेंट में, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब बना, 1949 में। ओके, डिफाइंस द टर्म बैंकिंग, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो है 1949 में, जो बैंकिंग को डिफाइन करता है, बैंकिंग क्या है, बैंकिंग का पर्पस क्या है, बैंक को क्यों बनाया गया, इससे हम क्या यूज में ला सकते हैं। द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। ओके, यहाँ पर हम पब्लिक को क्या कर रहे हैं, पब्लिक से हम पैसा ले रहे हैं एंड पब्लिक को हम पैसा दे भी रहे हैं। ओके, रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विदड्रॉल बाय चेक्स, ड्राफ्ट और अदरवाइज। हम चेक के माध्यम से विड्रॉ कर सकते हैं और ड्राफ्ट के माध्यम से क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उस बैंक में हमारा अकाउंट है और जिस बैंक में हमारा अकाउंट होता है तो हम लोग उसमें डिपॉजिट करेंगे, तो हम जो पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसको हम विड्रॉ भी तो करेंगे ना, क्योंकि हम अगर डिपॉजिट कर रहे हैं तो फ्यूचर पर्पस के लिए कर रहे हैं। सो दो, जो पैसा हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो हम उसको चेक और ड्राफ्ट के माध्यम से विड्रॉ भी कर सकते हैं। एंड बैंक, बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट मनी ऑन डिपॉजिट्स, रिपेबल ऑन डिमांड एंड ऑल्सो अर्न अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाई लेंडिंग मनी। बैंक जो है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर हम पैसा डिपॉजिट करते हैं और जहाँ से हम पैसा एज अ लोन, लोन के तौर पर हम ले सकते हैं। जब हम पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है और जब हम पैसा लोन पर लेते हैं तो बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता है। ओके, तो ये है बैंकिंग। नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स एलिमेंट्स। देयर शुड बी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। यहाँ पर डिपॉजिट का एक्सेप्टेंस होना चाहिए। द डिपॉजिट शुड बी रिसीव फ्रॉम द पब्लिक। जो हम डिपॉजिट करवा रहे हैं यहाँ पर वो एक्सेप्ट होगा और वो कहाँ से होगा, वो पब्लिक के द्वारा ही डिपॉजिट किया जाएगा और वो डिपॉजिट हम रिसीव कहाँ से करेंगे, पब्लिक के थ्रू रिसीव करेंगे, यानी पब्लिक वहाँ जा कर के डिपॉजिट करेगा, बैंक उसे एक्सेप्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3। द डिपॉजिट शुड बी रिपेबल ऑन डिमांड और द एक्सपायरी ऑफ द टर्म्स और आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड। जो हम डिपॉजिट करेंगे यानी जो व्यक्ति बैंक में जाकर के डिपॉजिट करेगा, फिर वो पैसा वहाँ से विड्रॉ भी तो करेगा ना, तो वो पैसा वहाँ से विड्रॉ कब करेगा, हो सकता है कि जब उसका डिमांड किया गया हो, कस्टमर को ज़रूरत होगा तो वो वहाँ से पैसा जाकर के विड्रॉ कर सकता है। द पर्पस ऑफ डिपॉजिट शुड बी लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। पर्पस क्यों होता है डिपॉजिट करने का, कि हमको बैंक अगर बाद में हो सकता है तो लोन प्रोवाइड कर सकता है या हम कहीं और जाकर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाउ वी हैव अ टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। कितने टाइप्स होते हैं बैंक के, या बैंक अकाउंट के कितने टाइप्स होते हैं, हम लोग 4 types के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वी हैव इज सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट।
फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दी सेविंग अकाउंट. सेविंग अकाउंट क्या है और सेविंग अकाउंट से क्या फ़ायदा होता है. अगर हम सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा. अकाउंट विच इज़ ऑपरेटेड बाई कमर्शियल बैंक, वो अकाउंट जो कमर्शियल बैंक के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा. टू प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग द पीपल, हम अगर कुछ कमाते हैं तो कुछ हम उसे सेव भी करते हैं. सेव करने का पर्पस यही होता है कि हम अगर फ्यूचर में चाहते हैं या फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो हम उसी सेविंग मनी से, सेविंग अमाउंट से अपने प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. अगर ऐसा हम नहीं करते तो हो सकता है हमें बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़े. बाई ओपनिंग अ सेविंग अकाउंट, तो सेविंग अकाउंट खोल करके हम वहाँ जा करके अमाउंट को सेव करते हैं. ये हमारा पर्पस होता है. हम लोग डे टू डे लाइफ में जो अर्न करते हैं, जो पैसा कमाते हैं, वो अपनी नेसेसिटीज़ को पूरा करने में हम लोग लगा देते हैं. हम जो कमाते हैं क्यों कमाते हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरतें हैं, क्योंकि हमारा नीड्स है, तो उस नीड को फुलफ़िल करने के लिए हम लोग कमाते हैं. अब जो हमारी नेसेसिटीज़ अगर पूरी हो जाती हैं और पैसा बच जाता है तो हम उसको सेव कर देते हैं. हम उसको अगर घर में सेव करते हैं तो हो सकता है कि बहुत सारे खर्च और निकल आए. तो इस कारण से हम क्या करते हैं, बैंक में जाकर के सेविंग अकाउंट खोल ओपन करवाते हैं और उस वहाँ जा कर के हम उस अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं. ओके, अगर हम वहाँ जा कर के डिपॉजिट करेंगे तो हमें थोड़ा थोड़ा करके हम वहाँ पे सेव करेंगे और फिर बैंक हमें इंटरेस्ट देगा सेविंग पे, तो वहाँ पर जो हमारा पैसा है वो बढ़ेगा और हम उसको फ्यूचर में कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं. फ्यूचर में हम कहीं किसी और पर्पस के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं. ये है सेविंग अकाउंट. देन सेविंग अकाउंट इज़ द अकाउंट मेंट फॉर पीपल हु विश टू सेव पार्ट्स ऑफ देयर इनकम. ओके, सेविंग अकाउंट क्यों खुलवाते हैं. कुछ लोग होते हैं जो इनकी ख्वाहिशें होती हैं कि मैं जो कमाता हूँ, मेरा जो इनकम है उस इनकम से मैं कुछ सेव करूँ. ओके, टू सेव गार्ड द फ्यूचर एंड अर्न इंटरेस्ट ऑन सेविंग. हम जो वहाँ पर अमाउंट को सेव करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, तो वहाँ पे जो हम अमाउंट डिपॉजिट करेंगे वहाँ से हमें इंटरेस्ट प्राप्त होगा. ठीक है, जो हम सेव करेंगे वहाँ से बैंक हमें इंटरेस्ट देगा. अगर उसी पैसे को हम घर में केवल जमा कर देंगे तो वहाँ पर हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, है ना. अगर हमें इंटरेस्ट चाहिए तो हमें बैंक में जाकर के अकाउंट खुलवाना होगा, और अगर जाकर के हम सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वहाँ पर हमें बैंक के द्वारा इंटरेस्ट मिलता है ना. हर बैंक का इंटरेस्ट वैरी कर सकता है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेविंग अकाउंट इज़ टू प्रमोट सेविंग. सेविंग अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. अगर सेविंग अकाउंट है बैंक में तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. मेन ऑब्जेक्टिव है सेविंग, यानी पैसे को जमा करवाना, पैसे को एक जगह जमा करवाना. अगर एक बैंक है और बहुत सारे लोग हैं, वहाँ आकर के वो अगर पैसा को डिपॉजिट करेंगे, पैसा को सेव करेंगे, तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसे हम बैंक बोलते हैं, वहाँ पर पब्लिक आकर के डिपॉजिट कर रहा है. तो छोटा छोटा ही अमाउंट, अगर कम कम अमाउंट ही वो आकर के वहाँ पे डिपॉजिट कर रहा है, लेकिन उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में तो पैसा बहुत सारा जमा हो जा रहा है, जो वो पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर सकता है, वहाँ से जो उसको रिटर्न मिलेगा वो डबल हो सकता है. तो इस तरीके से हम मनी का सर्कुलेशन भी कर सकते हैं. मनी को अगर हम एक जगह जमा करके रखेंगे तो हमारा जो इकोनॉमिक है वो कैसे डेवलप करेगा, क्योंकि हमने पहले ही डेफिनेशन में देखा जो बैंकिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी. इकोनॉमी को डेवलप करने में वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर हम चाहते हैं कि हमारा इकोनॉमी डेवलप करे तो हमें अपने पैसे को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा करना होगा, और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे ही पैसे को किसी को लोन को दे देगा, कहीं और इन्वेस्ट कर देगा, लेकिन जब भी हमें ज़रूरत होगा तो वो हमें प्रोवाइड करवाएगा, वो हमें देगा. विड्रॉ हम कर सकते हैं, लेकिन उसी पैसे से वो इन्वेस्ट करेगा, किसी को लोन दे देगा, तो हमारा जो इकोनॉमी है वो डेवलप करेगा, पैसे का जो सर्कुलेशन है वो भी होगा. तो यहाँ पर हमारा जो सेविंग है हम इसको प्रमोट कर रहे हैं.
सेविंग अकाउंट कैन बी ओपन विद अ मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट। अगर हम चाहते हैं कि हम बैंक में जाकर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाकर के सेविंग अकाउंट ओपन करवाए तो इसके लिए हम इनिशियल डिपॉजिट करना पड़ता है, वो वैरी करता है बैंक टू बैंक। ओके, किसी बैंक में आपको मिनिमम अमाउंट 1,000 रुपये चाहिए, किसी बैंक में आप मिनिमम अमाउंट 500 रुपये चाहिए, वो वैरी करता है कि आप किस अकाउंट, आप किस बैंक पे जाकर के अपना अकाउंट ओपन करवा रहे हैं। ओके, सेविंग अकाउंट कैन बी ओपन विद अ मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट, कम से कम यानी छोटे अमाउंट के साथ हम अपने अकाउंट को खोल सकते हैं और वो जो डिपॉजिट है वो वैरी करता है फ्रॉम बैंक टू बैंक। नेक्स्ट वी हैव इज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर एंड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। ओके, हम अगर डिपॉजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने 5,00,000 रुपये डिपॉजिट कर दिया अब आप नहीं कर सकते, आपने 10,00,000 डिपॉजिट कर दिया अब आप इसके बाद नहीं कर सकते, यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, यहाँ पर कोई भी बाधा नहीं है या कोई भी आपको मना नहीं कर रहा है कि अगर आपने 10,00,000 डिपॉजिट कर दिया अब आप इस बैंक में नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, वहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। विड्रॉज फ्रॉम द अकाउंट कैन बी मेड एदर बाय साइनिंग ऑफ अ विड्रॉल फॉर्म। अगर हमने जो पैसा जमा किया है जिस अकाउंट में हमारा पैसा डिपॉजिट हुआ, अब हमें पैसे की ज़रूरत है तो वहाँ से हम विड्रॉ करेंगे, तो हम विड्रॉ कैसे करेंगे, साइन करेंगे एक विड्रॉल फॉर्म पर। वहाँ पर बैंक में अगर आप जाइएगा तो वहाँ पर एक फॉर्म मिलता है विड्रॉल फॉर्म, उसमें हम अपना अकाउंट नंबर, अपना नाम और अपना सिग्नेचर करते हैं, काउंटर पे जाकर के देते हैं, फिर वो हमें हमारा पैसा दे देता है जितना उस स्लिप में या फॉर्म में लिखा होता है, और बाय इशूइंग चेक और बाय इशूइंग ATM कार्ड। ओके, बैंक के द्वारा चेक भी इशू कराया जाता है तो हम चेक के माध्यम से विड्रॉ कर सकते हैं और ATM के माध्यम से भी हम विड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम विड्रॉल स्लिप यूज़ करते हैं तो हमें बैंक जाना पड़ेगा पैसे को विड्रॉ करने के लिए, वहाँ जाकर के हमें टाइम देना पड़ेगा। अगर हम चेक भी इशू करते हैं तो उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर हम ATM कार्ड के हेल्प से अगर हम पैसा विड्रॉ करते हैं तो हम पैसे को कहीं से भी विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको बैंक जाना पड़ेगा, आपको उसी बैंक से निकालना पड़ेगा। अगर आपने उसी बैंक के ATM से निकाल लिया है तो कोई इशू नहीं है, अगर आपने किसी और बैंक को भी इशू के ATM से निकाल लिया उसमें भी कोई इशू नहीं है। मतलब ATM के माध्यम से हम कहीं भी रह करके पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं है, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, हम 24/7 ATM के माध्यम से हम पैसे को निकाल सकते हैं। और आज तो हम ATM के माध्यम से पैसे को डिपॉजिट भी कर सकते हैं, अपने पासबुक को अपडेट भी कर सकते हैं, है ना। तो ATM जो है वो वहाँ पर जाकर के हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं और अपने पासबुक को हम अपडेट भी कर सकते हैं। तो ATM कार्ड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पैसे को डिपॉजिट, पैसे को विड्रॉ कराने के लिए, है ना। However, banks generally put certain restriction on number of withdrawal from this account. अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो बैंक जो है वो विड्रॉल पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाता है, क्यों लगाता है वो उसका अपना प्रस्पेक्टिव हो सकता है, लेकिन अगर बैंक हर व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट एक ही दिन में विड्रॉ करने का चांसेस देगा तो हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा निकाल लेंगे, जिसके कारण जो हमारा सर्कुलेशन है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाएगा, उसको नुकसान हो जाएगा। तो बैंक जो है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि आप एक दिन में इतना ही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं ATM के माध्यम से, है ना। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल इज वेरी नॉमिनल ऑन सेविंग अकाउंट। अगर हम सेविंग अकाउंट में अपने पैसे को डिपॉजिट करवाते हैं तो वहाँ पर जो हमें बैंक के द्वारा इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट बहुत ही नॉमिनल होता है, नॉमिनल यानी नाम मात्र बहुत ही कम होता है। ओके, तो ये बैंक जो है वो अपने डिपॉजिट, जो हम बैंक में जाकर के पैसा डिपॉजिट करते हैं जिस अकाउंट में, उस अकाउंट को हम
सेविंग अकाउंट बोलते हैं, और सेविंग अकाउंट में जो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है वो नॉमिनल होता है, यानी बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है और बहुत कम भी नहीं होता, एवरेज हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे फिक्स्ड का, तो उसमें थोड़ा सा बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट देता है ना। तो बैंक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकनॉमी को डेवलप करवाने के लिए। बैंक अगर किसी देश में नहीं होगा तो वहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो जाएगा, लोगों के पास बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, वो जज नहीं कर पाएंगे कि हम कहाँ जा कर के पैसा डिपॉजिट करें, हम पैसे को क्या करें, उनका जो बिज़नेस है वो भी नुकसान में चला जाएगा। क्योंकि आजकल हम हर चीज़ को डिजिटल करते जा रहे हैं और डिजिटल के कारण हम हर चीज़ को बहुत इफ़ेक्टिव वे में पूरा कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज़ बेनिफिट्स, बेनिफिट्स ऑफ सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स के क्या बेनिफिट्स हैं। नंबर वन वी हैव इज़ सेविंग अकाउंट्स इनकरेज हैबिट्स अमंग पीपल। ओके, सेविंग अकाउंट जो है वो पीपल को इनकरेज करता है और वो उनके हैबिट को डेवलप करता है सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए और उसमें जा कर के डिपॉजिट करने के लिए। हम अगर घर में पैसा स्टोर करते हैं, जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं घर में ही किसी बॉक्स में, तो वो हम कभी भी निकाल सकते हैं और उसको कहीं भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन वही पैसा जब हमसे थोड़ा सा दूर है तो हम उसको खर्च करने में थोड़ा सा सोचेंगे। तो सेविंग अकाउंट में हम डिपॉजिट कर रहे हैं अपने पैसा को और हम उसको निकाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं जब हमें ज़रूरत होगा। ओके, इट एनेबल्स द डिपॉजिटर टू अर्न इनकम बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट। इसमें डिपॉजिटर जो होता है, जो व्यक्ति पैसा जमा करता है, जो हमारा कस्टमर जिसको हम बोलते हैं, जो डिपॉजिटर है वो पैसा कमा सकता है इसमें। ओके, कैसे कमा सकता है? इंटरेस्ट के माध्यम से। मैंने आपको पहले बताया कि जो पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जितना पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक क्या करता है उस पर इंटरेस्ट देता है। ओके, तो बैंक ने अगर इंटरेस्ट दिया तो हमने जितना दिया बैंक उस पर इंटरेस्ट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं हम कमा रहे हैं पैसा। ओके, अगर हम घर में वही पैसा को रखेंगे, घर में ही पैसा को हम डिपॉजिट करेंगे, तो हम पे वहाँ तो हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वहाँ तो हम एक्स्ट्रा नहीं कमा सकते। लेकिन वही पैसा को अगर हम बैंक में रखते हैं तो वहाँ पे बैंक हमें टाइम टू टाइम इंटरेस्ट देता है और वही पैसा हमारा जो हमने डिपॉजिट किया और जो इंटरेस्ट, दोनों को ऐड कर देंगे तो वो पैसा थोड़ा सा बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज़ इट हेल्प्स द डिपॉजिटर टू मेक पेमेंट बाई दी वे ऑफ चेक। हम चेक के माध्यम, डिपॉजिटर क्या करता है, पेमेंट करेगा, किसको करेगा, जो उसका क्रेडिटर होगा, जिससे उसने उधार लिया होगा, जिसके पास उसका पैसा बाकी होगा, जिसको उसको पे करना है, तो वो चेक के माध्यम से पैसा पे कर सकता है। कैश वो नहीं देगा, वो चेक दे देगा। तो चेक देने से क्या हो गया, अब वो बैंक जाता, फिर वहाँ से पैसा निकालता, या एटीएम जाता, वहाँ से वो पैसा निकालता, फिर आकर के अपने फिर अपना वो पेमेंट करता, तो उससे इजी उसने क्या कर दिया, चेक दे दिया। तो चेक उसको दे दिया, वो जाएगा अपने बैंक में डिपॉजिट करेगा, वहाँ से उसका पेमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज द बैंक ऑफर्स नंबर ऑफ सर्विसेज टू द सेविंग अकाउंट होल्डर। जो व्यक्ति सेविंग अकाउंट खुलवाता है उसको हम सेविंग अकाउंट होल्डर बोलते हैं, और बैंक के द्वारा बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं अपने कस्टमर को, अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स को। ओके, ये था सेविंग अकाउंट्स के बेनिफिट्स। नाउ वी विल डिस्कस पॉइंट नंबर टू, डैट इज़ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या है, इसको कौन व्यक्ति खुलवा सकता है, ओके, इसमें कौन से रिस्ट्रिक्शन है और क्या बेनिफिट्स है इसका। करंट अकाउंट इज़ ओपन बाय बिजनेसमैन। करंट अकाउंट किसके द्वारा ओपन करवाया जाता है, तो करंट अकाउंट ओपन करवाया जाता है बिजनेसमैन के द्वारा। अब बिजनेसमैन कौन है, बिजनेसमैन वो व्यक्ति है जो बिजनेस करता है, ओके, जिसका ट्रांजैक्शन लार्ज अमाउंट का होता है, जिसका ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा अमाउंट का होता है, जो हमेशा डील करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, पेमेंट रिसीव करता है, पेमेंट करता है,
ओके तो इन सारी चीज़ों में हमारा जो बिजनेसमैन है वो लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट को बहुत ज़्यादा पैसे के साथ ट्रांजेक्शन करता है, दैट्स वाई वो करेंट अकाउंट खुलवाता है। ओके हु हैव अ नंबर ऑफ रेगुलर ट्रांजेक्शन, जो रेगुलर ट्रांजेक्शन करता रहता है विथ बैंक बोथ डिपॉजिटर एंड विड्रॉल। हमने देखा जो हमारा बिजनेसमैन है उसने करंट अकाउंट खुलवाया, और करंट अकाउंट बेसिकली बिजनेसमैन ही खुलवाते हैं, वो लोग खुलवाते हैं जिनका लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होता रहता है, जो ज़्यादा अमाउंट के जो ट्रांजेक्शंस करते हैं वो लोग खुलवाते हैं, जहाँ पर डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर सकते हैं हम। ओके नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट पे हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अगर हम सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो यहाँ पर हमारे पैसे पर इंटरेस्ट मिलता है। ओके हमने करेंट अकाउंट खुलवाया तो वहाँ भी हमें पैसा डिपॉजिट और विड्रॉ का ऑप्शन है, लेकिन वहाँ पर इंटरेस्ट का कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि करंट अकाउंट होल्डर को कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो सेविंग अकाउंट होल्डर को नहीं मिलता है, वो केवल करंट अकाउंट होल्डर्स को ही मिलता है। तो कुछ जहां पे बेनिफिट्स अगर एक होल्डर को मिल रहा है तो वहां पे कुछ उसको फैसिलिटी नहीं भी मिलेगा। तो यहां पे जो फैसिलिटी मिल रहा है इंटरेस्ट का वो करंट अकाउंट में नहीं है, और जो करंट अकाउंट में फैसिलिटी है वो शायद सेविंग अकाउंट में नहीं है। अब वो क्या नहीं है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। करंट अकाउंट रादर से सम सर्विसेज चार्ज इज चार्ज बाय बैंक फॉर रेंडरिंग सर्विस। ओके यहाँ तो बैंक वाला करंट अकाउंट होल्डर को इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, लेकिन वो कुछ चार्जेस चार्ज कर रहा है उन सर्विसेज का, वो जो करंट अकाउंट होल्डर को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है उन सर्विसेज के बदले में वो बैंक उस होल्डर से कुछ चार्जेस काट रहा है। ओके क्योंकि जहां पर अगर हमें कुछ फैसिलिटी मिलती है देन हमें उसके लिए कुछ चार्जेस भी पे करने होते हैं। ओके तो यहां पर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, यहां पर हमें कुछ सर्विसेज के लिए चार्ज किया जा रहा है जिसे हम पे कर रहे हैं बाई फॉर रेंडरिंग सर्विस। अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज सेंड टू द होल्डर। हम जो ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर हम मंथली कर रहे हैं, वीकली कर रहे हैं, जो भी हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है वो टाइम टू टाइम बैंक के द्वारा भेज दिया जाता है स्टेटमेंट उस होल्डर के पास। ओके एवरी वीक मंथली शोइंग द ट्रांजेक्शन मेड ड्यूरिंग द पीरियड। ओके हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उस ट्रांजेक्शन, अगर हमारा खाता करंट अकाउंट में है, अगर हमने अपना अकाउंट करंट अकाउंट के अंदर खुलवाया है, तो हम जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे वो बैंक के द्वारा स्टेटमेंट हमारे पास आ जाएगा। आपने कब कितना विड्रॉ किया, कब आपने कितना डिपॉजिट किया, आपने किसको किसको पेमेंट किया, वो सारा इन्फॉर्मेशन हमारा एक स्टेटमेंट के माध्यम से हमारे पास पहुंच जाता है। क्योंकि इसमें हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो लार्ज अमाउंट का है, इसमें ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व्ड है। ओके नेक्स्ट वी हैव इज इन करेंट अकाउंट अमाउंट कैन बी डिपॉजिट एंड विड्रॉल एट एनी टाइम विदाउट गिविंग एनी नोटिस। अगर हमारा खाता करंट अकाउंट में है तो यहाँ पर हम कभी भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं और कभी भी पैसा हम विड्रॉ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कभी भी विड्रॉ? मैंने ही आपको बताया कि ये अकाउंट बिजनेसमैन ओपन करवाता है, और बिजनेसमैन हमेशा डीलिंग करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक को पेमेंट करता है, दूसरे से पेमेंट रिसीव करता है, तो यहाँ पर हमेशा ट्रांजेक्शन होता ही रहता है। ओके बिजनेस को रन करवाने के लिए हम कुछ ना कुछ परचेस करते हैं और कुछ ना कुछ हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कुछ हम पेमेंट करते हैं और पेमेंट को रिसीव करते हैं, तो यहाँ पर हमेशा ट्रांजेक्शन कंटिन्यू हमेशा ट्रांजेक्शन होते रहता है। दैट्स वाई हम जो डिपॉजिट करेंगे और विड्रॉ करेंगे वो किसी भी टाइम कर सकते हैं। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर एंड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स। यहाँ पर हमें पैसा जमा करने के लिए और पैसा विड्रॉ करने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर कोई बोलता है नहीं हम 10 लाख से ज़्यादा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते या 25 लाख से ज़्यादा हम डिपॉजिट नहीं कर सकते, तो करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना पैसा जमा करने का
और ना ही पैसा विड्रॉ करने का. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर एंड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज बैंक्स डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट. ओके, बैंक जो है वो इंटरेस्ट पे नहीं करता ऑन दिस अकाउंट, रादर इट इम्पोजेस सर्विसेज चार्ज फॉर द रनिंग दिस अकाउंट. ये खाता चालू करने के लिए हमसे कुछ पे हमसे कुछ चार्जेस लेता है लेकिन हमें वो इंटरेस्ट नहीं देता है. इट इज़ अ कंटिन्यूइंग नेचर एंड सच एज देयर इज़ नो फिक्स्ड पीरियड. ये हमेशा चलता ही रहता है, कोई इसका फिक्स्ड पीरियड नहीं होता है. नाउ वी विल डिस्कस द बेनिफिट्स. बेनिफिट्स क्या है करंट अकाउंट के? इट एनेबल्स बिजनेसमैन टू कंडक्ट देयर बिजनेस ट्रांजेक्शन. ये बिजनेसमैन को बिजनेस को कंडक्ट करने में हेल्प करता है स्मूथली. ओके, अगर हम बिजनेस चला रहे हैं तो उसमें पैसों की आवश्यकता होगी, पैसा हमें लगाना भी होगा, है ना. तो पैसा की आवश्यकता होती रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है. तो इट एनेबल बिजनेसमैन टू कंडक्ट देयर बिजनेस ट्रांजेक्शन स्मूथली. तो बिजनेस के ट्रांजेक्शन को स्मूथली चलाने के लिए हम करेंट अकाउंट के द्वारा चला सकते हैं, एज़ देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन अमाउंट एंड नंबर ऑफ विड्रॉल. यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना पैसा डिपॉजिट करने का और ना ही पैसा निकालने का. क्यों? अगर कहीं पर कोई रिस्ट्रिक्शन होता है तो हम उस काम को स्मूथली नहीं कर पाते हैं, या उसके लिए हमें थोड़े प्रोसेस को फॉलो अप करने होंगे या थोड़ा सा टाइम लगेगा. अगर हम किसी भी चीज़ को करने के लिए टाइम लेते हैं या प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि वो काम जब भी होना हो वो उस समय नहीं होगा, डिले हो जाएगा. तो बिजनेस में अगर किसी भी चीज़ को हम डिले करते हैं, बाद में करने के लिए सोचते हैं, तो वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात नहीं है. क्योंकि बिजनेस में हम अगर किसी भी चीज़ को डिले करेंगे तो उससे होने वाला जो प्रॉफिट है फिर वो हमें नहीं मिलेगा, और जितना हमारा एक्सपेक्टेशन है शायद उतना हम अर्न नहीं कर पाए. तो इस चीज़ से ओवरकम होने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, करंट अकाउंट खुलवाते हैं. और जो करंट अकाउंट खुलवाते हैं उसमें हम पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता. हाँ, बैंक हमें इंटरेस्ट नहीं देता है लेकिन बहुत सारे चार्जेस लेता है, लेकिन वो चार्जेस के बदले में वो हमें बहुत सारी बेनिफिट्स या बहुत सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है जो दूसरे अकाउंट होल्डर के पास नहीं होता है. ओके, नंबर टू, द बिजनेसमैन कैन मेक डायरेक्ट पेमेंट ऑफ देयर क्रेडिटर्स विद द हेल्प ऑफ चेक्स. ओके, बिजनेसमैन के अंदर जो बिजनेसमैन होता है वो पेमेंट कर सकता है डायरेक्ट. ओके, वो डायरेक्ट पेमेंट कर सकता है. किसको करेगा? क्रेडिटर्स को करेगा. कौन होंगे क्रेडिटर्स? जिससे उसने आइटम्स को, रॉ मटेरियल्स को या किसी भी चीज़ को उधार पे लिया होगा, अब उसे पेमेंट करना होगा, तो वो हो गए उसके क्रेडिटर्स विद द हेल्प ऑफ चेक. तो चेक के माध्यम से वो अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर सकता है और अपने बिजनेस को स्मूथली रन करवा सकता है. अगर ये फैसिलिटी नहीं होगा तो हमें बैंक जाना पड़ेगा, वहाँ से जाके कैश निकालना पड़ेगा, फिर हमें अपने क्रेडिटर्स के पास जाना पड़ेगा, फिर उसको जा करके वो पैसे देने पड़ेंगे. तो यहाँ पर टाइम कंज्यूम हो रहा है, टाइम लग रहा है, टाइम टेकन प्रोसेस है, लेकिन जहाँ पर हमें बैंक चेक प्रोवाइड कर रहा है तो हम चेक के माध्यम से क्या करते हैं, अपने क्रेडिटर्स को हम वो फैसिलिटी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, द बैंक कलेक्ट्स मनी. बैंक जो है वो मनी कलेक्ट करता है. किसके बिहाफ में? ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर एंड क्रेडिट्स द सेम ऑफ देयर अकाउंट्स. ओके, बैंक क्या करता है, वो बिजनेसमैन जिसका खाता उसके बैंक के अकाउंट बैंक में है और वो भी करेंट अकाउंट में है, तो वो उसके बिहाफ में पैसे को रिसीव करता है या पैसे को कलेक्ट करता है. तो यहाँ पर जो हमारा पैसा कलेक्ट करने का पर्पस था वो भी पूरा हो गया ना. क्योंकि अगर हम उस कस्टमर के पास जाते तो वो हमें पैसा देता, फिर आकर के हम बैंक में डिपॉजिट करते, तो यहाँ भी टाइम टेकन है, लेकिन हमने क्या कर दिया, बैंक के माध्यम से वहाँ पर पेमेंट रिसीव कर लिया, जिसके कारण हमारा जो टाइम है वो बच गया. ओके,
Next we have is current account enables the account holder to obtain overdraft facility. अब ये overdraft facility क्या है? ये वो facility है जो saving account holder को नहीं मिलता है. Okay? Current account enables the account holder to obtain overdraft. Overdraft क्या है? यानी limit से ज़्यादा पैसा निकाल लेना. Business जो है वो कोई हम उसमें predict नहीं कर सकते कि हमें हर चीज़ रीजनेबल रेट पे अवेलेबल हो जाएगी या हमने जो चीज़ों के बारे में सोच रखा है वो चीज़ें वैसे ही हमें मिल जाएंगी. रेट जो है, प्राइस जो है, उसमें वेरिएशंस होते रहते हैं. हम अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डील करते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ पे करना होता है. कहीं पर अगर हम कोई चीज़ परचेस करते हैं तो उसके लिए पे करना होगा. अगर हमारे अकाउंट में उतना पैसा नहीं है जितनी आवश्यकता हमें समय पर है, तो उस समय बैंक हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को यूज़ करने का मौका देता है, जिसके माध्यम से हम ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं. जितना पैसा हमारे पास नहीं है लेकिन जितने की आवश्यकता है हम उतना निकाल सकते हैं, और फिर बैंक में हम बाद में जा कर के तो डिपॉजिट करेंगे ही, लेकिन उस समय बैंक हमें इन फैसिलिटीज़ से पैसे अवेलेबल करवा देता है. ओके? जिसके कारण हम अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन को स्मूथली पूरा कर लेते हैं. थैंक यू.